शिवपुरी मानस में स्वच्छता को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहर के समस्त पार्षद, संस्थाएं और नगर पालिका के कर्मचारी सहित कलेक्टर, SP मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए नागरिकों को भी अपना सहयोग देना होगा, जहां उन्होंने कहा कि लोग अपना कचरा सार्वजनिक जगह पर न फेंकते हुए कचरा गाड़ी में ही डालें, जिससे शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, एवं जो होटलों एवं मैरिज गार्डन से कचरा इकट्ठा होता है उनको वह ट्रेंचिंग ग्राउंड में भिजवाए या नगर पालिका की गाड़ी बुलवा कर कचरे को फेंकवाए। वहीं आगे जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में नागरिकों और पार्षदों से अपील की, लोगों ने अपने घरों के आगे नालियों पर जो अवैध कब्जा किया हुआ है उसको हटाए, जिससे नालियों से जो पानी निकलता है उसको निकलने में कोई परेशानी न हो। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जो हमेशा की तरह कई बार ऐसा होता है कि कोई चर्चा हो रही है वो चर्चा होती रह जाती है, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि सब चीज़ों का कुछ महत्व है कुछ नहीं भी है। हम जमा हुए हैं, इस काम को हमें लेकर के चलना है और मैं आप सबका सहयोग, आप सबका मार्गदर्शन मैं चाहूँगा। हम दो तीन चीज़ें मैं कहना चाह रहा था कि अगला 7 दिन हम जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो दुकानें हैं, उनको खुद का साधन कचरा रखने का बाहर दुकान में उनको रखना, बाहर वो नहीं देखेंगे। 7 दिन के बाद 500 रुपये जुर्माना नगर पालिका ले, और जुर्माना वाले दिनों में हम लोग भी, मैं भी चाहूँगा, SSP साहब भी हम उनसे आगे दो कदम आगे हैं, हमारे SDM साहब हैं अंकुर और विवेक जो ADM साहब हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं की शहर का ठीक है ये सुनिश्चित करना। जो ये लाइन है हमारी प्रशासनिक, ये प्रशासनिक लाइन जो अभी थोड़ी देर बाद भी हो रही थी कि भयभीत होते प्रीति, कुछ लोग तो मान जाएंगे, कुछ लोग जो है नहीं मानेंगे उनका, तो पहला ये है 7 दिन हम देखेंगे। और नगर पालिका के जो आपके वाहन है उसे अनाउंस भी कराइए कि आप सभी अपना रख लेंगे तो जुर्माना 500 रुपये का, ये हर दिन होना चाहिए, ठीक है, पहला ये है। दूसरा सेकंड जो हमारे नाले की बात हुई थी, नाले में अतिक्रमण का एक अभियान हम करेंगे, तो संयोग से काफी सारे हमारे परिषद के अध्यक्ष जी हैं, प्रतिपक्ष नेता हैं, पार्षद थे, काफी समाज इसके हैं, तो मैं आप सबसे केवल यही अनुरोध करूंगा कि हमारी टीम इम्पार्शियल होकर निष्पक्ष होकर की कार्रवाई करे, किसी का फोन नहीं आना चाहिए, ना कोई आएंगे जिस दिन हम लोग नाला सफाई करेंगे, हमारा केवल यही अनुरोध नाले का अतिक्रमण। तीसरा है नाले की सफाई, नाले जो बड़े नाले हैं उसमें भी बहुत कचरा है, वो दिखता नहीं है, कई बार मैंने देखा कि वो सीट लगा दिया है तो दिखता नहीं है, वो दिखेगा वैसे दिखता है, तो उसके लिए आपने शायद कुछ मशीनरी भी नगर पालिका ले रही है या पोकलेन मशीन हमें चाहिए होंगे चौड़े नाले, चूंकि जो बारिश का सीजन है, पिछली बार बता रहे थे कि काफी 2-1 महीने तक पानी आपके पोलो ग्राउंड में भी जमा रहा, तो वो ना हो, हम पहले से हम अपने नालों की सफाई साथ साथ उसको सुनिश्चित करेंगे, यदि मुझे खुद का साधन है तो खुद के साधन। ये सफाई को लेके सभी समाज सेवी संस्थाएं, हमारे जिले के कलेक्टर साहब, हमारे ज़िले के SSP साहब और सारे पत्रकारगण और जितने शहर के बुद्धिजीवी नागरिक थे, हमारे सारे पार्षद भाई, ये सब लोग उसमें उपस्थित थे और उनके उपस्थिति में पूरे शहर को ये संदेश दिया कि शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाना है और उसके लिए सभी लोग मिलके प्रयास करें तो हमारा शहर साफ सुथरा बन सकेगा। जो शहर का दुकानों का कचरा होता है, घरों का कचरा होता है, वो डोर गाड़ी में डालें, गीला कचरा अलग डालें, सूखा अलग डालें, और सार्वजनिक जो कचरा होता है बड़े बड़े होटलों का और शादी घर का, तो वो भी अपना कचरा कहीं सार्वजनिक जगह पर ना फेंकें, या तो वो अपने वाहन से टिंचिंग ग्राउंड फेंकवाएँ, अगर वो नहीं फेंकवा सकते तो नगर पालिका की गाड़ी बुलाएँ और उसमें कचरा डालें और कचरे को टिंचिंग ग्राउंड तक ले जाने का काम करें, शहर में कहीं भी कचरा डंप ना करें। और एक सबसे बड़ी बात जो थी
उस शहर में निवेदन किया सभी लोगों से और सभी वार्ड के पार्षदों से कि जो वार्डों में नालियों पे कब्जे हो रहे हैं, नालियों पे अतिक्रमण लोगों ने कर लिया है, उसको मुक्त कर दें ताकि घरों का पानी जहाँ निकलना है वो अपना निकले। अगर नाली पे कब्जा हो जाता है तो जो पीछे वाले घर हैं उनका पानी रुकता है और वो पानी सड़क पे आता है। जब सड़क पे आता है तो सफाई नहीं दिखती और पानी चारों तरफ सड़क पे फैलता है तो गंदगी होती है, तो उसके लिए मना किया। दूसरा, बहुत तेज़ी से हमारे शहर में नालों पे अतिक्रमण हो गया है और नालों के अतिक्रमण होने से पूरे शहर में बारिश के टाइम में जल भराव होता है। तो हम लोगों ने आज निवेदन किया सभी लोगों से कि जिन लोगों ने नाले पे कब्जा किया है वो अपना अपना अतिक्रमण तोड़ लें, नहीं तो फिर गवर्नमेंट तोड़वाएगी। और नालों को मुक्त करके, नालों को तो पानी के लिए छोड़े, तभी तो शहर का पानी बाहर जाएगा। ये सभी लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से, सभी बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, सभी होटल जिनके हैं, सभी शादी घर वालों से ये निवेदन किया कि हमारा कचरा कचड़े की जगह पे ही जाना चाहिए। हमारी दोनों टाइम गाड़ियाँ आ रही हैं तो गाड़ी में कचरा डालें, सार्वजनिक जो पर्यटक स्थल हैं वहाँ पे कचरा ना फेंकें, कचरा टेंचिंग ग्राउंड में डालें। ये सभी लोगों से निवेदन किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।